standing wave in a string fixed at both the ends and different mode of vibration. तो हम क्या जनरेट करने जा रहे हैं? स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव किस में? गिटार की स्ट्रिंग में. स्ट्रिंग टाइड एट बोथ दी एंड्स. रूल नंबर वन, वेव की ये इक्वेशन मैंने आपको कहा था याद करने को, दो फॉर्म ऑफ इक्वेशन याद करने को, थी एक ओमेगा टी माइनस के एक्स और ये भी थी. तो इमेजिन करो एक स्ट्रिंग में एक वेव जनरेट हुई लेफ्ट से राइट, ट्रांसवर्स वेव है लेफ्ट से राइट, जिसका फॉर्मूला क्या है? ए साइन टू बाय लैम्डा इनटू वी टी माइनस एक्स. और ये तब लगाते हैं इक्वेशन जब वेव इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू. स्ट्रिंग में वेव गई कॉर्नर से टकराई, टकरा के वापस आई. जब वापस आई क्योंकि स्ट्रिंग का एंड फिक्स्ड है, क्रेस्ट जाएगा ट्रफ आएगा, ट्रफ जाएगा क्रेस्ट जाएगा, तो वाई पॉजिटिव जाएगा, टकरा के वाई नेगेटिव आएगा. तो आने वाली वेव में वाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो जाते हुए वाई पॉजिटिव, आते हुए वाई नेगेटिव है, और आते हुए एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था राइट से लेफ्ट आने में एक्स क्या हो जाता है? प्लस. सही है. तो ये जाने की वेव है, ये आने की वेव है. सुपर पोजिशन ऑफ वेव क्या कहती है? कि जब दो वेव मिलती है एक नई वेव की इक्वेशन क्या बनेगी? इन दोनों को ऐड कर देते हैं, y इज इक्वल टू y डैश पर y डबल डैश. इन्हें ऐड किया, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ऐड करके ये टर्म आ गई. तो a कॉमन आ गया. मेडिकल वालों के लिए, नॉन मेडिकल वालों को पता है एक मैथ का फॉर्मूला है, या करेक्शन कर लेना, या कॉस भी आएगा, कॉस कॉस. मैथ का फॉर्मूला है साइन c माइनस साइन d, 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू सी प्लस डी बाई टू. ये मैथ के लोग करते हैं. तो इसमें ये जो पूरा एंगल है इसको सी मान लें साइन के आगे, और ये जो एंगल है साइन के आगे इसको डी मान लें. तो सी प्लस सी माइनस डी बाई टू और ऐसे ही सी प्लस डी बाई टू. इस तरीके से आपके पास सॉल्व करके ये वाई की इक्वेशन आ गई. ठीक. नहीं तो अगर आप मेडिकल नहीं लोग नहीं करना चाहते, सीधा याद कर लें ये इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग लिख दें, यहां तक करें, यहां तक लिखने के बाद सीधा ऑन सॉल्विंग ये कर दे, बात ही खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट है इसके बाद. तो मान लो ये इक्वेशन आ गई आपके पास. इस इक्वेशन में जो नई इक्वेशन है उसकी उसके ऊपर स्ट्रिंग में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल तो वही है. तो एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स आएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट वाई की वैल्यू आएगी टाइम के साथ. किसी भी एक्स पोजीशन पर जो पार्टिकल है उसकी डिफरेंट डिफरेंट वाई की वैल्यू आएगी डिफरेंट इंस्टेंट पे. तो एक काम करते हैं, जिसके अंदर टाइम आ रहा है उस फंक्शन को बाहर रखें और ये वाले फंक्शन को आगे ले आएं. तो इसको बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. पूरी टर्म क्या बनेगी? एम्पलीट्यूड है. तो किसी भी एक्स पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऐसे होगा, ये होगा. तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, ये रहा एम्पलीट्यूड. अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, इसको आगे करने से पहले बाउंड्री कंडीशंस पढ़ते हैं क्या है. देखो बाउंड्री कंडीशंस का मतलब है कि जो कॉर्नर की जो पोजीशंस हैं उनके साथ क्या होगा. एक स्ट्रिंग इनफाइनाइट लेंथ की तो है नहीं, फाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग है जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है. फाइनाइट स्ट्रिंग के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स की कंडीशन ऐसी रहेगी, आप कितने भी गिटार की स्ट्रिंग को हिला लो और स्टेशनरी वेव जैसे मर्जी जनरेट कर लो, लेकिन कॉर्नर का पॉइंट कभी अपनी जगह से हिलेगा नहीं. तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये पोजीशन x इज इक्वल टू जीरो का पॉइंट है जो हिलेगा नहीं. यहां पर y या एम्पलीट्यूड की वैल्यू हर वक्त क्या रहेगी? जीरो. ये मूव नहीं कर सकता, ये इसकी कंडीशन है. जितना मर्जी वेव बीच वाली स्ट्रिंग हिल सकती है पर कॉर्नर का पॉइंट नहीं हिलेगा. उसी तरीके से x इज इक्वल टू l के ऊपर भी ये भी पॉइंट हिलेगा नहीं, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगी? y की जीरो. ठीक. इसे बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन. हर हालत में ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी. करके देख लो, ये आपके पास एम्पलीट्यूड आया ऊपर से. इसमें पहली कंडीशन क्या है? x जीरो है y जीरो पे. तो एक काम कर, x जीरो है, x इक्वल टू जीरो के ऊपर y जीरो आएगा. आप x को यहां पर जीरो पुट करो, साइन जीरो क्या है? जीरो. तो एम्पलीट्यूड क्या है? जीरो. y की वैल्यू क्या आएगी? जीरो. तो ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब. अब सेकेंड कंडीशन पुट करें, x की जगह यहां पर l पुट करें. जब हम यहां पर l पुट करेंगे तो आंसर फिर से क्या आना चाहिए? जीरो, क्योंकि y की वैल्यू फिर से क्या आनी चाहिए? जीरो. तो जैसे ही मैंने एल पुट किया, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए. और ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब ये साइन ऑफ ये पूरा का पूरा एंगल क्या होगा? जीरो. मेडिकल के लोग सुन लें, ये एंगल देख रहे हो, ये एंगल या तो पाए हो मैथ्स में, या टू पाए हो, या थ्री पाए हो, या फोर पाए हो, या फाइव पाए हो, या सिक्स पाए हो, या एन पाए हो,
आंसर मैथ्स में जीरो ही आता है. एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 जो मर्जी पुट कर ले, याद करना पड़ेगा दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एन पाई. तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा, साइन का जीरो, तो एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा. पाई से पाई कट गया, तो ये कंडीशन है. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन से आई कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो एम्पलीट्यूड हर हालत में क्या आएगा, जीरो ही आएगा. इसको संभाल के रख लो. अब मैं स्टेशनरी वेव बना के दिखाने वाला हूं कि दिखती कैसी है. स्टेशनरी वेव ऐसी दिखती है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. पहली स्टेशनरी वेव कैसी दिखती है, पहली स्टेशनरी वेव ऐसी दिखती है कि जब आप एन की जगह वन पुट करोगे, जब आप वन पुट करोगे तो एल क्या आएगा, लैम्डा बाई टू. हम जो साउंड जनरेट होगी उसकी वेवलेंथ मान लो कितनी है, लैम्डा वन है जब फर्स्ट मोड होगा, तो लैम्डा वन क्या आएगा, 2L. एक चीज याद रखना कि जब जब मैं ये बोलता हूं कि एक वेव है, ये एक वेव है, ठीक है, एक वेव की लेंथ क्या होती है, लैम्डा. जब स्टेशनरी वेव बनती है ना, तो ये स्ट्रिंग, जैसे ये पूरी एक स्ट्रिंग थी, ऊपर नीचे वाइब्रेट होती है कुछ इस तरीके से. तो इस केस में ये जो स्ट्रिंग है ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रही है, ऐसे वाइब्रेशन हो रही है. तो इसके अंदर अगर ये लैम्डा है तो ये कितना है, लैम्डा बाय 2. तो ए दो लूप्स जो है वो लैम्डा है, आधी लूप क्या है, लैम्डा बाय 2. तो एक चीज देखें, एल क्या है, लैम्डा बाय 2. लैम्डा बाय 2 का मतलब क्या, हाफ लूप बनेगा. तो आपकी स्ट्रिंग ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी, ऊपर नीचे कैसे, इस शेप में. हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेशनरी वेव बन गई क्योंकि कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगी, एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2. कॉर्नर पे ये पॉइंट कभी हिलेगा नहीं, तो इसका एम्पलीट्यूड हर हालत में क्या रहेगा, जीरो. यानी कि नो एम्पलीट्यूड नो डिस्प्लेसमेंट. इस पॉइंट को बोलते हैं नोड. नोड्स का मतलब है नो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स. नोड, ये पॉइंट भी क्या है, नोड. इसने भी हिलना नहीं. इसके बीच का जो पार्टिकल है स्ट्रिंग का, ये मैक्सिमम ऊपर नीचे आएगा. और अगर ये मैक्सिमम ऊपर नीचे आएगा तो उसको बोलते हैं एंटी नोड. एंटी नोड का मतलब वो पॉइंट जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम. तो यहां लिख लो ए, बीच मिड पॉइंट पे लिखो ए. ए यहां करेक्शन कर लो, यहां लिखो ए. तो पेपर में आएगा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में कितने नोड्स हैं, कितने एंटी नोड्स हैं, 2 नोड्स हैं और एक एंटी नोड है. तो ये इसका डायग्राम है. लैम्डा वन की जो वैल्यू है वो 2L है. लैम्डा वन को यहां पर 2L पुट करेंगे. तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है. पहली फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी इसमें, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वी बाई 2L लिखना नहीं, अभी बताऊंगा, बाद में लिखवाऊंगा सब कुछ. फ्रीक्वेंसी जो वेलोसिटी है खिंची हुई रस्सी में, स्ट्रेच स्ट्रिंग में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट टी बाई म्यू, हमने किया था. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है. एक चीज याद रखना, स्टेशनरी वेव, जब मैंने एक स्ट्रिंग ली गिटार की और मैंने वेव को सेंड किया, टकरा के वेव वापस आई, इमीडिएटली स्टेशनरी वेव बनी नहीं. ये जरूरी नहीं कि स्टेशनरी वेव हर वक्त ही बनेगी, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगी जब डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा एग्जैक्ट ऐसा बनेगा, तभी आपको ऐसी आवाज सुनाई देगी जो फंडामेंटल के साथ मैच करेगी. हर वक्त स्टेशनरी वेव नहीं बनती, जब बनती है उसको बोलते हैं रेजोनेंस हो गई. रेजोनेंस होने का मतलब आपकी स्टेशनरी वेव तैयार हो गई है, क्योंकि वेव जा रही है, आ रही है, जा रही, आ रही है, टकरा के अलग अलग साउंड्स आती हैं. लेकिन एक स्पेशल केस बनता है, वो ये केस है जब हम बोलते हैं कि पहली स्टेशनरी वेव तैयार हो गई. तो कहने का मतलब सुपरपोजिशन तो बहुत तरीके से होती है. जैसे एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ये वेव जा रही है, फिर ये वेव आ रही है ना, ये वेव आ रही है, अलग अलग, बहुत खिचड़ी सी पकने वाली है ऊपर नीचे की. लेकिन इमेजिन करो एक वेव जा रही है और एक वेव आ रही है. तो उस केस में मान लो डायग्राम ऐसा बना, ये नोड कॉर्नर के पॉइंट्स हैं. तो इसमें बहुत सारे लूप बन सकते हैं, हर वक्त तो नहीं बनेंगे, हर वक्त तो उल्टा सीधा भी केस बन सकता है. ये तो केस तभी बनेगा जब पूरा का पूरा क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे के नीचे स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट करे, हमेशा ऐसे वाइब्रेट नहीं करेगी. तो इमेजिन करो जब ये वाला केस है, ये फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन है, और कम से कम क्या होगा, कम से कम ये केस पहला केस होगा जब स्ट्रिंग की लेंथ ऐसे वाइब्रेट करेगी जो ये डायग्राम है. हम बोलते हैं रेजोनेंस हो गई और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया. फिर खराब हो जाएगी रेजोनेंस और फिर सुपरपोजिशन और तरीके से होगी. फिर सेकंड केस ये आएगा जब दो लूप्स बनेंगी. हम बोलते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया, दूसरी स्टेशनरी वेव तैयार हो गई.
मतलब पहली स्टेशनरी वेव में हर हालत में डायग्राम ऐसा ही बनेगा, अगर नहीं बना तो स्टेशनरी वेव तैयार नहीं हुई, और जब बन गया तो स्टेशनरी वेव बन गई जिसकी ये फ्रीक्वेंसी हो गई। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में इसमें एन की जगह टू पुट करो, टू से टू कैंसिल, सेकेंड जो वेवलेंथ आएगी वो लैम्डा टू होगी, आवाज अलग चेंज होके आएगी लैम्डा टू। लैम्डा का मतलब दो लूप्स, याद रखना लैम्डा का मतलब दो लूप्स, लैम्डा बाय टू का मतलब एक लूप, एक लूप का मतलब लैम्डा बाय टू होता है। इसने लैम्डा बोला तो स्टेशनरी वेव का डायग्राम क्या बनेगा, दो लूप्स का बनेगा, और ये कंडीशन हमेशा टू रहेगी। कॉर्नर पे हर हालत में नोड ही जनरेट होगा, एंटी नोड नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रिंग इज टाइड एट बोथ द एंड्स। तो ये नोड है, नोड के बाद पक्का एंटी नोड है, फिर नोड है, फिर एंटी नोड है, फिर नोड है। पेपर में आएगा कि सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में बोलो कितने नोड और कितने एंटी नोड्स हैं, तो डायग्राम लोगों को याद हो जाते हैं। ये पहला डायग्राम है एक लूप का, दो लूप्स का, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो फिर काउंट करके बता देना तीन नोड्स हैं और दो एंटी नोड्स हैं। तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा टू क्या है, एल है, न्यू टू क्या है, वी बाय लैम्डा टू है, लैम्डा टू एल है, तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई सेकेंड। ये दूसरी फ्रीक्वेंसी है, ये पहली फ्रीक्वेंसी है, दूसरी और पहली फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे तो दूसरी फ्रीक्वेंसी इज टू टाइम्स पहली फ्रीक्वेंसी, तो सेकेंड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, टू टाइम्स फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ऐसी थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन आएगी जब एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे। अगर हम यहां पर थ्री पुट करेंगे थ्री बाई टू लैमडा, थ्री बाई टू लैमडा का मतलब क्या है, 1.5 लैमडा, तो थ्री बाई टू लैमडा का मतलब तीन बार लैमडा बाई टू, तो लैमडा बाई टू 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 थ्री लैमडा बाई टू, तो कितनी लूप्स बनेगी थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में, तीन। ये तीसरी स्टेशनरी वेव है, इसमें जोर जोर की स्ट्रिंग को हिलाएंगे, पहली दूसरी और तीसरी ऐसे बनेगी। कितने नोड्स हैं, एक दो तीन चार, कितने एंटी नोड हैं, एक दो और तीन। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा थ्री आ गया, न्यू थ्री क्या है, वी बाय लैम्डा थ्री, लैम्डा थ्री को यहाँ पे पुट कर दिया इसके नीचे, तो यहाँ से अगर हम न्यू थ्री की वैल्यू को फर्स्ट फ्रीक्वेंसी न्यू वन से डिवाइड करें तो न्यू थ्री पता है क्या आएगा, थ्री इंटू न्यू वन। तो पहली फ्रीक्वेंसी अगर न्यू वन है तो सेकेंड मोड ऑफ सेकेंड स्टेशनरी वेव में फ्रीक्वेंसी टू इंटू न्यू वन है, नेक्स्ट में थ्री इंटू न्यू वन है, नेक्स्ट में फोर इंटू न्यू वन है, नेक्स्ट में फाइव इंटू न्यू वन है, और nth में n इंटू न्यू वन है। फर्स्ट में डायग्राम ऐसा बनेगा एक लूप का, दूसरे में डायग्राम ऐसा बनेगा दो लूप्स का, तीसरे में डायग्राम ऐसा बनेगा तीन लूप्स का। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो ये आपकी स्टेशनरी वेव बनी किसमें, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में।